अस्सलाम वालेकुम, चांद मोबाइल से आपसे मैं हूँ इलियास राव। यूएफआई बॉक्स लेसन नंबर 10। आज के लेसन में ईपी रोम बेस्ड डिवाइसेस का डेड बूट रिपेयर करना सिखाएंगे। इसी लेसन को फॉलो करते हुए ईपी रोम बेस्ड तमाम डिवाइसेस जैसे कि कलर टेलीविज़न, डिजिटल कैमराज, डिजिटल क्लॉक्स और बहुत सारी ईपी रोम बेस्ड डिवाइसेस का डेड बूट रिपेयर किया जा सकता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मैसेज आपको मिलता रहे। उसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक ग्रुप का लिंक भी आपको मिलेगा। अगर आप चाहें तो हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस डिवाइस में एटमल कंपनी का ये वाला आईसी है जिसमें हमने प्रोग्राम इंस्टॉल करना है। इस आईसी का पिन आउट्स मालूम करने के लिए ब्राउज़र में आके आईसी नंबर लिखेंगे, स्पेस देके पिन आउट्स लिख देंगे तो हमें इस आईसी के पिन आउट्स मिल जाएंगे। इस आईसी के टोटल 8 पिन हैं। 8 में से हमें 4 पिनों की ज़रूरत पड़ेगी, बाकी सभी को हम छोड़ देंगे। ग्राउंड और वीसीसी, उसके अलावा डब्ल्यूपी इसे छोड़ देंगे, एससीएल और एसडीए, इन 4 पिनों का इस्तेमाल करते हुए इसमें प्रोग्राम इंस्टॉल किया जाएगा। कनेक्ट करने के लिए ब्रेडबोर्ड और जम्पर वायर इस्तेमाल करेंगे। ये इस वक्त मेरे हाथ में मेल टू फीमेल जम्पर वायर हैं, इनका इस्तेमाल करेंगे तो हम आसानी से कनेक्ट करवा सकते हैं। वैसे आईसी के ऊपर डायरेक्टली टांके लगा के भी इस्तेमाल किया जा सकता है। 4 तारों का इस्तेमाल करेंगे, मैंने ऑलरेडी इनको अलग कर लिया हुआ है। ब्रेडबोर्ड का डायग्राम कुछ इस तरह पे होता है। मिसाल के तौर पे ये पीसीबी जो इस वक्त आप डिस्प्ले में देख रहे हैं, सेम टू सेम इसी तरह से ब्रेडबोर्ड में लाइनें हैं।
यूएफआई चिप प्रोग्राम एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे। टारगेट टाइप में I2C EPROM डिवाइस सिलेक्ट करेंगे। नेम की टैब में आके IC नंबर सिलेक्ट करेंगे। VCC को ऑटो पे रहने देना है और क्लॉक की टैब में सबसे कम क्लॉक जो है वो सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम अपने डिवाइस को आइडेंटिफाई करेंगे। प्रोग्राम करने से पहले डिवाइस को इरेज करना होता है। इस जगह पे हम नोट करेंगे फॉल्ट शो किया है। अपने डिवाइस का साइज चेंज करके टेस्ट करेंगे। सबसे कम साइज को सिलेक्ट करेंगे। एक बार फिर से इरेज अप्लाई करेंगे। ये इरेज हो चुकी है। ब्लैंक चेक करेंगे। ये कंफर्म हो चुका है कि ये डिवाइस ब्लैंक हो चुकी है। अब इस पे प्रोग्राम फाइल राइट करेंगे। ये राइट हो चुकी है। बिल्कुल छोटी सी फाइल होती है, तकरीबन 16 बाइट की ये फाइल थी। एक सेकंड से भी पहले राइट हो चुकी है। एक बार फिर से डिवाइस डिटेक्ट करेंगे। इस स्क्रीन में हम देखेंगे हेक्स बाइनरी फाइल में लिखा हुआ है। वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई से हमें पता चल जाएगा जो हमारी फाइल में जो कुछ है वो सेम वही चीज़ हमारे IC पे भी ट्रांसफ़र हो चुकी है। इसके बाद IC को ब्रेडबोर्ड से उतारेंगे और PCB बोर्ड पे एडजस्ट कर देंगे।
ये सक्सेसफुली प्रोग्राम हो चुकी है। मेरे पास केबल कनेक्शन होता तो मैं आपको इसका डिस्प्ले मज़ीद दिखा सकता, लेकिन ये कन्फर्म हो चुकी है। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, उस वक्त तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।